प्रदेश की चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सामने जो लक्ष्य तय किए गए हैं उन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्रदेश सरकार प्राप्त करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस एफडीआई कॉन्क्लेव में उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी इमेज को बदला है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और अगर कहें तो विकसित भारत का एक विकसित उत्तर प्रदेश। 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास का बैरियर यह माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश के एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में आज हमारे पास प्रकृति भी है, परमात्मा भी है और हमारे युवा प्रतिभा से भरपूर होने के नाते इस त्रिवेणी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इन 7 वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दुगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। तो इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था जिसे हम सब ने अपने मिशन के रूप में लेकर के और प्रभावी ढंग से अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना करके कानून व्यवस्था के बेहतरीन स्थिति प्रदेश के अंदर दे करके जो माहौल बदला आज उसका परिणाम है कि सुरक्षा के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था, 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज के अलावा आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस चतुर्थ संस्करण के साथ उत्तर प्रदेश देश की अब छठी नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भी स्थापित है और एफडीआई और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 पॉलिसी लाने वाला देश के किसी राज्य में से पहला राज्य बन चुका है जो इस प्रकार की पॉलिसी लेकर के आया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एफटीआई से संबंधित जो अब तक की स्थिति थी सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों में जितना एफटीआई यूपी में आया था 19 से 23 के बीच में मात्र 4 वर्ष में हम उसके 4 गुना
एफडीआई यूपी के अंदर आया। जब सुरक्षा का माहौल होता है, सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नियत साफ होती है, तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। आज ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, एलजी है, पेप्सिको है, नायरा एनर्जी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हायर है, आइकिया है। ऐसे 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर आज कार्य कर रही हैं, सफलतापूर्वक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 अपना आयोजित किया था, इसमें 400 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की एफडीआई के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरने के एक नए संकेत करते थे। लेकिन उनके सामने चैलेंज था, और उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आज जब हम लोगों ने ये पॉलिसी दी है, तो इस पॉलिसी के बाद हम लोगों ने लैंड सब्सिडी के लिए, कैपिटल सब्सिडी के लिए, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी हम लोगों ने जो छूट दी है, यह फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों के लिए यूपी एक नया ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। और इस दिशा में जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर या दुनिया के अंदर ऐसे इन्वेस्टर हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे यूपी में आए, यूपी में अपना सुरक्षित निवेश करें और यूपी की इन सुविधाओं का लाभ भी लें। यूपी आज इस दिशा में कुछ नया प्रयास प्रारंभ किया है। खासतौर पर हम लोग देखते हैं कि पहले यहां पे शासन के और विभागों के मकर जाल में फाइल उलस जाती थी। आज सिंगल विंडोज पोर्टल के लिए, निवेश मित्र पोर्टल आपकी सेवा के लिए समर्पित है। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए आज उत्तर प्रदेश का निवेश सारथी पोर्टल अपने निवेशकों की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहा है। आज यूपी के अंदर सफलतापूर्वक निवेश करने वाले निवेशक के लिए इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। हमें टेक्नोलॉजी के का उपयोग करते हुए आपकी समस्या के समाधान करने के लिए हम लोगों ने इसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया है। और इस दिशा से मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश अपने निवेशकों के हितों को पूरा संरक्षण देने के लिए तैयार है। एफडीआई से संबंधित जो कॉन्क्लेव है, या अपने उन सभी एफडीआई और फॉर्च्यून 500 जो कंपनियां हैं, उनको प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश करने और इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उनका उत्तर प्रदेश में निवेश पूरी तरह सुरक्षित होगा और उन्हें बिजनेस का एक नया आनंद प्रदान करने में योगदान देगा। मैं आज के इस कॉन्क्लेव में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जिन महानुभावों ने मंच पर आज अभी उत्तर प्रदेश के इस माहौल के बारे में यहां पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।